जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप सबको ये तो मेरा पिछला वीडियो देखा ही है जिसमें हम लोग रामेश्वरम पहुंचे थे, पामन ब्रिज को हम लोगों ने कैप्चर किया था। और ये जो हमारी जर्नी थी, पिछली जर्नी बहुत ही कमाल की थी। इससे आप लोग को पता ही है कि मैं रामेश्वरम में हूँ अभी, और मैं यहाँ पर आया था मेनली इस पामन ब्रिज के लिए। और मैं इस ब्रिज में ट्रेन में ऑनबोर्ड होकर के भी गुजरना चाहता था, और इस ब्रिज को खुलते बंद होते देखना चाहता था, और ट्रेन को गुजरते हुए देखना चाहता था। तो मेरे साथ हैं हमारे ऐसे भी ब्लॉक के सौरभ भाई, हम लोगों ने एक बाइक रेंट पे ली है और हम लोग निकल पड़े हैं, डियो लिए हमने और निकल पड़े हैं पामन ब्रिज की ओर जहाँ वो खुलता बंद होता है। हम लोग उसे अब बाई रोड कैप्चर करने वाले हैं। जो पिछली बार आपने बाई ट्रेन देखा था, साइड में आपने देखा था एक फ्लाईओवर है उसके ऊपर से व्हीकल्स गुजर रहे हैं, तो इस बार उल्टा होने वाले हैं। हम इस बार होंगे रोड पर और हम लोग ट्रेन को कैप्चर करेंगे। ई रोड 4D की ऑनकिंग भाई निकाल रहे हैं अभी। हमने डियो को भी 4D बना दिया है। लैंडस्केप आप देख सकते हैं बहुत कमाल का है, ग्रेडियंट डाउन फिर अप। थोड़ा गला खराब है, माफी चाहूंगा इसके लिए। हाँ, एक हॉकिंग सुना ना यार जरा 4D का। चला EMD नॉच कर रहा है। ये EMD नॉच है हमारे बाइक को भी इन्होंने बना दिया है, हमारा EMD लोकोमोटिव। गला काफी खराब है यार, आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में थोड़ी तबीयत डाउन थी उसी के चलते। लेकिन वीडियो नहीं रुकना चाहिए, जिस मेन काम हम आए हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, पहुंचे थे और तुरंत निकल गए शूटिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं पामन ब्रिज पे और स्पॉट करते हैं एक पैसेंजर ट्रेन जो कि रामेश्वरम से मदुरई के बीच जा रही है। 11 बजे यहाँ से चलेगी, उसके बाद वही ट्रेन आपको मैं दिखा पाऊँगा ब्रिज पे। दोस्तों ये है वो कमाल की जगह पामन ब्रिज, जिसका मुझे कितने दिनों से इंतज़ार था इस जगह को देखने का और आप लोग को दिखाने का भी। ये है वो पामन ब्रिज नाम की जगह। अब से कुछ ही समय पर यहाँ से गुजरेगी रामेश्वरम मदुरई पैसेंजर ट्रेन, जिसे मैं आप लोग के लिए स्पॉट करना चाहता हूँ। अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बोट वगैरह खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरा बोट वगैरह वहाँ पर खड़ी है और बीच का बहुत सुंदर नज़ारा है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये ब्रिज जो है ये उठ जाता है, अगर नाव वगैरह को पास होना होता है तो उठ जाता है और जो पैसेज है वो चल जाता है, यहाँ से बोट वगैरह पास हो जाती है। लेकिन जब ट्रेन गुजरती है तो वापस यहाँ पे इसी शेप में आ जाता है और हमारी ट्रेन यहाँ से गुजरती है। काफ़ी कमाल का है ये ब्रिज। रहा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं देखना चाहता हूँ ट्रेन को इस ब्रिज से गुजरते हुए। पहली बार का एक्सपीरियंस है, देखना चाहता हूँ ट्रेन इस ब्रिज से कैसे गुजरेगी। पहली बार का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी देखिएगा, मज़ा आने वाला है बहुत। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे साइड का नज़ारा भी कमाल का है, देख सकते हैं। ये है हमारा अरेबियन सी समुद्र, बहुत सुंदर लग रहा है। जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइव करने में तो मज़ा है पर उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं वीडियो के थ्रू भी समझा पा रहा हूँ। गले से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मौसम ऐसा हो रहा है, ऑलरेडी तबीयत थोड़ी डाउन है, फिर भी आप लोग
आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आपको ये नज़ारे कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छा नहीं लग रहा यार, इतनी जल्दी हमें पामन ब्रिज से जाना पड़ रहा है, लेकिन नज़ारा जो है बहुत कमाल का है। ये पामन ब्रिज है, ये हमारे दिल में बस चुका है अभी, और हम लोग लंच वगैरह भी नहीं कर पाए थे क्योंकि समय कम पड़ रहा था। ये बात मैंने सोचा अब आप लोगों को बताई है। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ट्रेन थी, वो कवर हो चुकी है, और अब हम लोग निकल चुके हैं पामन ब्रिज से। पीछे आप देख सकते हैं समुद्र की काफ़ी अच्छी लहरें, वहाँ दूर पे एक लाइट हाउस है, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, और ये बीच है। मतलब ये नहाने वाला बीच तो नहीं लग रहा है मुझे, पर शिप वगैरह है यहाँ पर पे। तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया आज। चलिए करते हैं कुछ लंच और फिर होटल पहुँच के आप लोगों से बातें होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं जहाँ ऑप्शन केवल साउथ इंडियन मील्स का था या फ्राइड राइस का था, तो हम लोगों ने साउथ इंडियन मील्स ले लिए। कुल मिला के कुछ ऐसी सुविधा मिलती है आपको रामेश्वरम में अगर आप मील्स को ऑप्ट करते हैं। तो ये सारी मील मुझे पड़ी 80 रुपीज़ की, और इसका मैं टेस्ट करता हूँ और इसको मैं इन्जॉय करता हूँ, और मैं आप लोग से होटल में मिलता हूँ, कुछ बातें वहाँ पर करता हूँ, उसके रिव्यू भी आपको वहीं पर देता हूँ। तो दोस्तों, एक थकान भरे दिन के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं होटल रेस्ट लेने के लिए। हम लोग सुबह सुबह लगभग रात के 3 बजे हम लोग उतरे थे मदुरई जंक्शन, वहाँ से हमने ली थी 3:50 की मदुरई मतलब तिरुपति से आने वाली रामेश्वर तक जाने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस ली थी, और उससे हम लोग 7:30 पहुँचे रामेश्वरम। उसके बाद हमने होटल वगैरह चेकआउट किया, ये होटल हमें मिल पाया। फिर हम लोग गए गाड़ी ढूंढने, रेंट पर एक बाइक ली, उसके बाद हम लोगों ने कैप्चर की अभी जो पैसेंजर हम मैंने आप लोग को दिखाई। फिर लंच वगैरह करके अभी 1 बजे हम लोग रूम पहुँचे, थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं, फिर आगे के जो प्लान है उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके इस पामन ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग का रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में आता है। तो मिलेंगे जल्दी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारी जर्नीज़ में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।